दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 24 ऐसी नकली यूनिवर्सिटीज के बारे में, फेक यूनिवर्सिटीज के बारे में जिनकी लिस्ट यूजीसी ने डिक्लेयर की है। अगर आप इन यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं तो आपका करियर बर्बाद भी हो सकता है, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज के पास ये परमिशन नहीं है कि ये डिग्रीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो आप लोगों को इन यूनिवर्सिटीज के बारे में ध्यान रखना है एडमिशन लेने से पहले। इसमें से दिल्ली की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, साथ ही साथ बाकी और स्टेट्स की भी यूनिवर्सिटीज है जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटीज को कैसे चेक करें कि वो फेक है या नहीं है। तो दोस्तों अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देता हूं हम एजुकेशन से रिलेटेड, ओपिनियन से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूले, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और बेल आइकन को दबा दिया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 24 ऐसी फेक यूनिवर्सिटीज के बारे में जिनको यूजीसी ने बैन कर दिया है। अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो वैध नहीं होगी, वो वैलिड नहीं होगी और इससे आपका करियर भी बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको उन 24 यूनिवर्सिटीज के बारे में बताने वाला हूं। पर उन यूनिवर्सिटीज के बारे में बताने से पहले आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको अपने कॉलेज की वैलिडिटी चेक करनी चाहिए। आपको ये चेक करना चाहिए कि आपका जो कॉलेज है, आपका जो यूनिवर्सिटी है वो जेन्युइन है या नहीं है। आप लोगों को यूजीसी की वेबसाइट पे जाना है। यूजीसी की वेबसाइट का लिंक है www.ugc.ac.in। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए और यूनिवर्सिटीज के बारे में आप चेक कर सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज वैलिड है या नहीं है। वहां पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप ये चेक कर लेते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी वैलिड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने प्रॉफिट्स के लिए दूसरों का करियर दांव पे लगाने को तैयार हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको लिस्ट बता देता हूं कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटीज है जो कि वैलिड नहीं है, जो कि फेक है, नकली है। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है मैथिली यूनिवर्सिटी या फिर विश्वविद्यालय, दरभंगा बिहार में है ये। दूसरे नंबर पे है कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज दिल्ली में। तीसरे नंबर पे है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, दिल्ली में। चौथे नंबर पे है वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली में। पांचवे नंबर पे है ADR सेंट्रिक जुडिशियल यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली। सिक्स नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, न्यू दिल्ली। सातवें नंबर पे है विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, न्यू दिल्ली। आठवें नंबर पे है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, रिठाला रोहिणी, दिल्ली। नौवे नंबर पे है बादंगवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, बेलगांव कर्नाटका। दसवें नंबर पे है सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, किशनअट्टम केरला। ग्यारहवें नंबर पे है राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर। बारहवें नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता। तेरहवें नंबर पे है इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, कोलकाता। चौदहवें नंबर पे है वारसैन्य संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी। पंद्रहवें नंबर पे है महिला ग्राम विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूपी। सोलहवें नंबर पे है गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग इलाहाबाद यूपी। सत्रहवें नंबर पे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, कानपुर। अठारहवें नंबर पे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, ये ओपन यूनिवर्सिटी है जो अलीगढ़ में है। उन्नीसवें नंबर पे है उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कोसीकला, मथुरा। बीसवें नंबर पे है महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ यूपी। इक्कीसवें नंबर पे है इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा फेज 3। बाईसवें नंबर पे है नव भारत शिक्षा परिषद, शक्ति नगर राउरकेला। तेईसवें नंबर पे है नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये है उड़ीसा में। चौबीसवें और लास्ट नंबर पे है श्री बोधी एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जो है आपके पौंडीचेरी में। देखिए एक चीज और बता देता हूँ, यूजीसी से अप्रूव्ड होना बहुत जरूरी है जितनी भी यूनिवर्सिटीज इंडिया में चल रही है। अगर कोई यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी नकली है, वो यूनिवर्सिटी फेक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यही खत्म करेंगे। आई होप हमारी जो कोशिश थी आपको अवेयर करने की वो पूरी हुई होगी। साथ ही साथ आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि अगर कोई इस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने वाला है तो वो ना ले, और उनको भी बताएं कि वो इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है, आपके कोई क्वेश्चंस है, तो आप हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन पे लिख के पूछ सकते हैं। आपको कैसा ये लगा वीडियो ये हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन पे लिख के। इसके अलावा दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कम समय में पता लग पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।